जुबान उनकी नूरी, बयान उनकी नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, आका हमारे परेशान वाले, आका हमारे परेशान वाले। सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर सरकार दो आलम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं अशआर की सूरत में, बीच में नातें और बीच में कुछ वाक़यात। सो बात कल कहाँ तक पहुँची थी कि मामला ये हुआ कि जब मक्के के लोगों ने, ख़ास तौर पर सरदारों ने बहुत तंग किया उन लोगों को जो सरकार दो आलम की दावत पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए इस्लाम ला रहे थे, जब जुल्म व सितम हद से पड़ गया तो फिर सरकार दो आलम ने उन सबको ये सजेस्ट किया कि अब मक्के से निकल जाओ, हबशा चले जाओ। तो बहुत से लोग फिर मक्के से निकलकर सरकार की एडवाइस पर हबशा चले गए। ये जो उनके दुश्मन थे मक्के में, ये उनके पीछे पीछे हबशा तक गए, ये हबशा के बादशाह तक गए। बादशाह का नाम नजाशी था, ईसाई था, और इन्होंने बादशाह को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारे वतन से कुछ लोग तो तुम्हारी तरफ आए, इनको यहां से निकाल दो, ये तुम्हारे मुल्क में भी फसाद का बाइस बनेंगे, इन्हें यहां ना रहने दो। नजाशी बादशाह ने उन मुशरिकीन मक्का का मौकिफ सुना, लेकिन वो फहमो फिरासत रखने वाला इंसान था, उसने फिर ये भी सोचा कि एक तरफा फैसला करने के बजाय दूसरी साइड का मौके भी सुन लिया जाए। सो अब उसने मुसलमानों का भी मौके सुनने के लिए मुसलमानों को भी बुलाया। तय ये पाया कि हजरत जाफर तैयार, फर्जंदे हजरत अबू तालिब, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। सो अब मंजर कुछ इस तरह का है कि हबशा का मुल्क है, नजाशी बादशाह है, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, मुशरिकीन मुसलमानों की शिकायत लगा चुके हैं, बादशाह मुशरिकीन की बात सुन चुका है, अब बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया है, व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, इन योर सपोर्ट। तो अब मुसलमानों की जमात जिनकी क़यादत हजरत जाफर तैयार कर रहे हैं वो खड़ी है इस बादशाह के सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए कि ये मुसलमानों के सर्वाइवल का मसला है। अगर बादशाह कन्विंस हो गया मुशरिकीन के आर्ग्यूमेंट से और मुसलमानों को हबशा से निकल जाने का कहा, तो इस वक्त तो वाहिद पनागा ही हबशा है, तो फिर क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है तारीख का। अब आप सुनिए क्या कहते हैं जनाब बेहजाद लखनवी साहब अशआर की सूरत में, हजरत जाफर अबू तालिब के जो फर्जंद थे, क्या कहने हजरत जाफर तैयार के, हजरत जाफर अबू तालिब के जो फर्जंद थे, आकिलो दाना थे, फर्जाना थे, दानिशमंद थे, आकिलो दाना थे, फर्जाना थे, दानिशमंद थे, बढ़ गए आगे सबों के दरबार में, बढ़ गए आगे सबों के, और किया बढ़कर सुखन, दीने नौ के सामने क्या चीज है दीने कोहन। क्या वो बता रहे हैं कि ये जो दीन है इसके सामने पिछले हमारे दीन, पिछली हमारी रसूमात सब गलत थी, ये दीन सही है। तो दीने नौ के सामने क्या चीज है दीने कोहन। अब हजरत जाफर तैयार का कलाम आगे बढ़ता है, कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, हजरत जाफर तैयार की जबानी नजाशी बादशाह को, हम मुसलमान हैं, खुदा के मानने वाले हैं हम, और मोहम्मद ही की उम्मत है, मोहम्मद की कसम, हाँ उन्हीं ने, मोहम्मद ने, हाँ उन्हीं ने बुत परस्ती से दिलाई है निजात, हाँ उन्हीं ने हमको समझा है रमूज़े कायनात, जिसके हम बंदे हैं उसकी बंदगी सिखलाई है, हक की इस जुल्मत का
पर्दे में रोशनी दिखलाई है। राह से इस्लाम की अब हम भटक सकते नहीं, फूल से कलबों में अब कांटे खटक सकते नहीं। कि अब हम पीछे नहीं जा सकते, अब हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। राह फूल से कलबों में अब कांटे खटक सकते नहीं। अब हजरत जाफर तैयार का कलाम जारी है, दरबार में गोया एक सहर छा गया आपके कलाम का, दरबार की कैफियत ही अलग हो गई, दरबार का मंजरनामा ही बदल गया। शायर कहते हैं, भाई हजरत जाफर की ये तकरीर थी या था तलस्म, गोया तलस्म छा गया। हजरत जाफर की ये तकरीर थी या था तलस्म, मर्दुमाने चश्म आंखों की पुतलियां, मर्दुमाने चश्म साकिन थे, हर एक साकित था जिस्म, हर एक सकते में आ गया कि क्या कह रहे शख्स, मर्दुमाने चश्म साकिन थे, हर एक साकित था जिस्म, अरे आपकी तकरीर थी कैसी भरे दरबार में, खलबली पड़ने लगी सुनकर जिसे अग्यार में। भाई आसान काम नहीं है, दियारे गैर है, सामने दुश्मन खड़े हैं, एक बादशाह बैठा है, बादशाह भी आपके दीन का नहीं है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये तारीख रकम कर रहे हैं हजरत जाफर तैयार, आपकी तकरीर थी कैसी भरे दरबार में, खलबली पड़ने लगी सुनकर जिसे अग्यार ने। और अब बात आगे बढ़ी, सारे मजमे पर अजब एक रोब सा तारी हुआ, सारे मजमे पर अजब एक रोब सा तारी हुआ। भाई हर मुसलमान पर नुजूले रहमते बारी हुआ, हर मुसलमान पर नुजूले रहमते बारी हुआ। तो आप ये सब कुछ सुनकर नजाशी बादशाह मालिक हबशा उसका क्या रद्द अमल है, अब ये सुनिए। मालिक हबशा ने ये तकरीर सुनकर गौर से, मालिक हबशा ने ये तकरीर सुनकर गौर से हजरत जाफर से फरमाया मुलायम तौर से, हजरत जाफर से फरमाया मुलायम तौर से। अब वो इंटरेस्ट ले रहा है, अब उसको बातों में लुत्फ आ रहा है, अब वो डायलॉग कर रहा है, अब वो उनसे कह रहा है कि मुझे अपने दीन के बारे में मजीद बताओ, ए जाफर क्या क्या सुना सकते हो कुछ अपने खुदा का तुम कलाम, कुछ बता सकते हो इस बारे में। और अब आगे आयात आएंगी, अब आगे हजरत जाफर कलाम सुनाएंगे, क्या क्या सुना सकते हो कुछ अपने खुदा का तुम कलाम, जो मोहम्मद पर उतरता है तुम्हारे सुबह शाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सुना सकते हो कुछ अपने खुदा का तुम कलाम जो मोहम्मद पर उतरता है तुम्हारे सुबह शाम। हजरत जाफर ने कहा, हजरत जाफर ने फरमाया सुना सकता हूं मैं, देखना भी आप चाहे तो दिखा सकता हूं मैं, बाद इसके अब ये सारी बात हो गई, अब वो कलाम सुनाएंगे, बाद इसके सूरह मरियम सुनाई आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ा या ऐन साद, ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سبحان الله، إذ نادى ربه نداء خفيا، سبحان الله، أب الله جانے वो क्या मंजर होगा, दरबार में कैसी खामोशी छाई होगी, दरबार में कैसा सहर छाया होगा, अबू तालिब का बेटा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नुमाइंदा, दीन इस्लाम का नुमाइंदा, कुफार के सामने नजाशी के दरबार में तिलावत कलाम पाक सुना, अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। और सूरा भी कौन सी है, जनाब मरियम सलाम अलैहा से मंसूब, और वो आपको याद रहे, सूरा है जनाब मरियम सलाम अलैहा से मंसूब, नजाशी बादशाह भी ईसाई है, दीन इस्लाम के बारे में बात हो रही है, तो बस बाद इसके सूरा ए मरियम सुनाई आपने, थे मुसलमान शान इस्लामी दिखाई आपने, सुन के हाकिम सूरह मरियम को हैरान हो गया, सुन के हाकिम सूरह मरियम को हैरान हो गया, और बयाने हजरत ईसा में जाकर खो गया, और बयाने हजरत ईसा में जाकर खो गया, और कहा बेशक। अब जवाब आ रहा है नजाशी बादशाह का सूरह मरियम सुनने के बाद, कलामुल्लाह ने अपनी तासीर दिखाई और कहा बेशक
कलाम रब यजदानी है ये, और कहा बेशक कलाम रब यजदानी है ये, सच है बाला और बुलंद असफहम इंसानी है ये। ये तो कोई और ही कलाम है भाई, सच है बाला और बुलंद असफहम इंसानी है ये। ये कलाम और हजरत ईसा का वो प्यारा कलाम, ये कलाम और हजरत ईसा का वो प्यारा कलाम, गोया है चराग एक नूर के, एक अर्श के माहे तमाम, कि हमारा कलाम तुम्हारा कलाम। और कहा और ये कलाम और फिर आगे कहा, फिर सफीरों से हुआ इस तरह वो, इस तरह सरगर्मे सुखन। अब ये बात यहाँ पर आज की हद तक अब कंक्लूड हो रही है कि अब आगे ये सारा कुछ हो गया, अब नजाशी बादशाह का अपना फैसला सुनाने का वक्त है कि ये सारा कुछ करने के बाद अब उसने वर्डिक्ट क्या दिया है। फिर सफीरों से हुआ इस तरह सरगर्मे सुखन, जिस कदर ये हैं यहाँ पर नेक मर्दों नेक जन, यानी वो कह रहा है कि भाई ये जितने भी मुसलमान यहाँ पर आए हैं मेरे मुल्क में, उन कुफार से कह रहा है, मुशरिकीन से कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम शिकायत करने आए हो, उनसे नजाशी कह रहा है कि फिर सफीरों से हुआ इस तरह सरगर्मे सुखन, जिस कदर ये हैं यहाँ पर नेक मर्दों नेक जन, आ गए हैं इस जगह बचकर तुम्हारे जुल्म से, तुम यहाँ भी आए हो इनको सताने के लिए, अब ये अमामे हैं हमारी, इनको रहने दो यहीं, अब ये यहीं रहेंगे, अब ये हमारी अमामे, मंसूबा फेल हो गया, ये अमामे हैं हमारी, इनको रहने दो यहीं, इनसे हम खुश हैं बहुत, अब ये न जाएंगे कहीं। बस आखिरी इशारा आज किया था, हो के मायूस प्लान फेल, हो के मायूस अहले मक्का बादशाह के पास से, हो के मायूस अहले मक्का बादशाह शाह के पास से, हाँ मुकम्मल ना उम्मीदी और मुकम्मल यास से। सलाम उस पर के जिसकी सादगी दर से बसीरत थी, सलाम उस पर के जिसकी सादगी दर से बसीरत थी, सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत थी, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं, सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की, और दुरूद उस पर, दुरूद उस पर के जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर कि जिसके जिक्र से सेरी नहीं होती, दुरूद उस पर कि जिसका तस्किरा ऐने इबादत है, दुरूद उस पर कि जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत है, दुरूद उस पर कि जो था सदरे महफिल पाक बाजों में, दुरूद उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में, दुरूद उस पर मकीने गुम्बदे खजरा जिसे कहिए, दुरूद उस पर शबे मेराज का दूल्हा जिसे कहिए, दुरूद उस पर कि जो माहिर की उम्मीदों का मलजा है, दुरूद उस पर कि जिसका दोनों आलम को सहारा है। محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.